वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लगता है उनकी इस बात को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तभी तो एक के बाद एक शहरों के नाम बदलने का सिलसिला योगी राज में बदस्तूर जारी है। ताजा उदाहरण है यूपी के अलीगढ़ और मैनपुरी जिले, जिनके नाम बदले जा सकते हैं। दोनों ही शहरों का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार के पास लंबित है और इंतजार है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने का। प्रस्ताव के मुताबिक अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम मयन नगर किया जा सकता है। इसके अलावा अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर बीजेपी नेता कल्याण सिंह के नाम पर करने का भी प्रस्ताव है। इस आशय के प्रस्ताव संबंधित शहरों की नगर पंचायतें पारित करके उत्तर प्रदेश शासन को भेज चुकी हैं। जाहिर है विपक्ष राजनीति करेगा और विपक्ष ने नाम बदलने की इस प्रक्रिया को सांप्रदायिक सौहार्द से जोड़ दिया है। जो नाम चेंज है, जो योगी जी जो है उत्तर प्रदेश की जो सीएम है, उन्हें कर सकता है। ये उनका पावर है, प्रधानमंत्री का पावर है, वो किसी इलाका का नाम चेंज कर सकता है। लेकिन अलीगढ़ का नाम चेंज करके होरी को जो बोल रहा है, जो करने का कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अलीगढ़ इलाके में जो दंगा हो जाएगा, जो संकट होगा, जो भी हिंसा होगा, उसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन लेगा। पहले मैं योगी जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके पत्रिका के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आप जो कर रहे हैं उससे पहले सोचिए वहाँ का लोकल लोग जो है वो मानेगा कि नहीं। पहले मुगल शाही के बारे में जो दीनदयाल उपाध्याय बनाया, इलाहाबाद के बारे में प्रयागराज बनाया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अलीगढ़ के बारे में मैं योगी जी का अनुरोध करूंगा, एक बार दूसरी बार सोचिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर दंगा फैल जाएगा तो बुरा हाल होगा देश का। वैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाम बदलने के मामले में पूरे देश में पहले से ही मशहूर हैं। इससे पहले सीएम योगी आनंद फानन में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर चुके हैं। जब इतने भर से संतुष्टि नहीं मिली तो 2019 के अर्धकुंभ को ही नाम बदलकर कुंभ का नाम दे डाला। जाहिर है बीजेपी योगी के फैसलों का बचाव कर रही है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और अगर कोई वो फैसले लेती है अपने पुराने नामों को, जो ना ये कोई नाम बदलना नहीं है, ये जो पुराने नाम थे उनको फिर से वापस स्थायित्व में लाना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप इन नामों को लेकर हिंदू मुस्लिम भड़काने की बात करते हैं, नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि ये देश जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है पार्टी, नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी वो कर रही है जो था। मैं कहता हूं कि अगर कुछ नाम जो पुराने थे उनको बदला गया है तो वो इसलिए क्योंकि वो पहले वही नाम थे, कुछ नए की बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पुराना है उसको बदला ही जाना चाहिए, और ये इस देश की सांस्कृतिक लड़ाई भी है। योगी तो योगी, देश के प्रधानमंत्री मोदी भी नाम बदलने के मामले में पीछे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। उससे पहले मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। यह बात और है कि पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर का नाम अब भी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। मगर नाम बदलने पर जो बवाल होना था वो तो हो ही गया। ठीक ऐसा ही विवाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलने पर भी हुआ था, क्योंकि इकाना भगवान विष्णु का एक नाम है। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया और भगवान विष्णु को अटल जी के बाद एडजस्ट करते हुए स्टेडियम का नाम रखा गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम।
जब नाम बदलने के इस हथौड़े से भगवान विष्णु और सरदार पटेल भी नहीं बच पाए तो भला मुगल बादशाहों की क्या बिसात। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई और लुटियन जोन की पौश सड़क औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। विवाद उठा तो सवाल उठा दिया गया कि देश को औरंगजेब चाहिए या एपीजे अब्दुल कलाम। फिर क्या था, मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह के बाद पूरी की पूरी मुगल डायनेस्टी ही मोदी सरकार के निशाने पर आ गई और वाराणसी के नजदीक बने मशहूर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी मुगलों की तरह इतिहास बन गया। अब यह स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना और पहचाना जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की कला सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों को ही आती है। यूपीए सरकार के दौरान भी ना जाने कितनी जगहों के नाम बदले गए। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट 2008 में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया और राजासांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर अब श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाने लगा। स्वतंत्र भारत में साल 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश नामकरण हुआ। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, 1969 में मद्रास से तमिलनाडु, 1973 में मैसूर से कर्नाटक, इसके बाद पुडुचेरी, उत्तरांचल से उत्तराखंड, 2011 में उड़ीसा से ओडिशा नाम किया गया। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कानपुर, जबलपुर समेत 15 शहरों के नाम बदले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2016 में मद्रास, बंबई और कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम भी बदल दिए गए। जिस रफ्तार से नाम बदलने का फैशन चल रहा है उसे देखते हुए तो बस इतना कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाम बदलने के इतिहास और राजनीति पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।